छतरपुर जिला के बड़ा मलहरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर दधी खाना मटकी फोड़ कार्यक्रम की नगर से विशाल शोभा यात्रा श्री कृष्ण उत्सव समिति एवं क्षेत्रीय यादव समाज द्वारा नगर के एक छोर शिवशक्ति वाटिका से दूसरे छोर हनुमान बाग मंदिर आश्रम तक निकाली गई है तथा मंची कार्यक्रम में अतिथियों ने यादव समाज से भगवान श्री कृष्ण के पदचिन्हों पर चलने की अपील की है। नगर में निकाली गई उक्त भव्य शोभा यात्रा में ध्वज पताका आतिशबाजी बैंड बाजे नाचते घोड़े बग्घी व राधा कृष्ण की झांकी आकर्षण का मुख्य केंद्र बिंदु रही हैं। नगर के मुख्य मार्ग पर जगह जगह नगरवासियों द्वारा बांधी गई मटकियों को ग्वालों की टीम ने तोड़कर माखन मिश्री के साथ इनाम को लूटा है। उक्त शोभा यात्रा का नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा व पेयजल फल मिष्ठान से स्वागत किया। उक्त कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बड़ा मलहरा क्षेत्र की पूर्व विधायक रेखा यादव रही जबकि अध्यक्षता समाजसेवी प्यारे लाल यादव ने मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री ललिता यादव पूर्व विधायक अजय यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव सहित समाज के स्थानीय व आमंत्रित प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। अतिथियों ने मंची उद्बोधन में सजाती बंधुओं से नशा त्यागने शिक्षा ग्रहण करने व भाईचारा के साथ एकजुट रहने की अपील करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पदचिन्हों पर चलने की अपील की है। कार्यक्रम का संचालन जय हिंद यादव कुंवर राजेंद्र यादव मनोज यादव सतपाल यादव देवेंद्र यादव ने किया है। देखिए मैं आपकी चैनल के माध्यम से पहले तो अपने क्षेत्रवासियों को आप सबको जन्माष्टमी के कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आपने जो कहा है कि सक्रियता, तो बड़ा मलहरा में शायद 2006 से जब से मैं सक्रिय हुई हूँ तब से बराबर ऐसा हुआ है कि हर साल कोई ऐसा गैप नहीं हुआ है कि हम कार्यक्रम में ना पहुँचे हों। हमेशा हम लोग कार्यक्रम में रहते हैं और आगे बढ़ के ही समाज के साथ खड़े होते हैं। और ये हमें मतलब अपनी समाज के ऊपर गर्व है कि हमारी समाज एक आवाज़ में सब एक साथ होके आते हैं और कदम से कदम मिला के चलते हैं। और रही आज आगे राजनीति वाली जो बात कर रहे हैं आप, तो उसके पीछे तो सभी भागते दौड़ते हैं, तो सक्रियता तो पहले थी, बीच में रही, अभी है और आगे भी रहेगी। आज की पूर्व का आयोजन हुआ है तो आप संदेश की बात करते तो समाज को ये संदेश देना चाहते, जिस तरह से समाज आज के कार्यक्रम में उमड़ के आया है तो मैं खुशी भी कह सकती हूँ। कहीं ना कहीं समाज उत्तेजित भी है, समाज के नौजवान अपना हक चाहते हैं, समाज के नौजवान सोच रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, इसलिए समाज के बंधु सभी साथ में रहें। तो आज एकता का कारण मुझे जो लग रहा है, क्योंकि हर कार्यक्रम में आते थे लेकिन आज कहीं ना कहीं उनको समाज की कमी महसूस हो रही है। मैं समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये जो मंच है, हम सब विराजमान हैं, हमारी रेखा जी है, हम हैं आदरणीय जगदीश दादाजी, सब लोग विराजमान हैं, हम सब समाज के साथ हैं। समाज के साथ कभी कोई अत्याचार अन्याय नहीं होने देंगे जब तक हम लोग जिंदा हैं। मैं समाज को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ, बधाई देती हूँ, आगे बढ़ें और षड्यंत्रों से बचें। आप सभी हमारे जो पत्रकार बंधु, आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक आपने समाज की बात कही तो समाज को हर क्षेत्र में जो हमारी जनसंख्या है उसके आधार पर हमारा हक की लड़ाई जारी है कि हमारी जो संख्या है उस आधार पर हमें लोकसभा में, विधानसभा में, हमें आर्थिक आज़ादी भी चाहिए, हमें अंबानी अडानी और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उस पर भी हमारे समाज की हिस्सेदारी होनी चाहिए। हमें विधायिका के साथ साथ संसद के साथ साथ हमें खासतौर सुप्रीम कोर्ट है और जो राज्यसभा है वहाँ पर भी हमें हमारी जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी चाहिए। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ को सुने, सरकारें सुने, देश की जनता सुने कि हम लोग पिछड़ते क्यों जा रहे हैं। हम लोग एक ज़माना था कि 100-100 MLA हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 8-8 MLA हुआ करते थे, हमारी संख्या घटती क्यों चली जा रही है? उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की साजिश है, उसमें सारे दल शामिल हैं।